हेलो गाइस, तोहिद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं सो के उठा, फोन हल वगैरह नहीं सेट किया और सुबह का बज रहा है 6:30। तो बहुत बारिश हो रहा है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। बारिश बहुत तगड़ा बारिश हो रहा है, बारिश छूटने का कोई नाम नहीं ले रहा है दिल्ली में। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ बारिश, चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। खूब बारिश हो रहा है, तो ये देखिए अंधेरा काफ़ी है और बारिश भी तगड़ा हो रहा है। और आज लॉकडाउन भी लगा है, आज है शनिवार और रात से ज़्यादा काफ़ी बारिश हो रहा है। आवाज़ आप लोग महसूस करिए, सुनिए आप लोग आवाज़, बारिश का आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को। बादल गरज रहा है और सुबह का बज रहा है 6:30, जो कि अभी तक दिन नहीं हुआ है। बारिश के कारण एकदम ये देखिए पानी अंधेरा है ना, इसलिए नहीं दिख रहा होगा आपको। उस साइड जो है उजाला है तो दिख रहा है आपको। बाकी देखिए पूरा तहस नहस हो चुका है एकदम, पूरा बारिश नहीं कि देखिए, जूमिंग करके दिखाता हूँ आपको। देखिए बारिश हो रहा है ना, काफ़ी तगड़ा बारिश हो रहा है रात से, और ठंड भी ज़्यादा है और बारिश के कारण और ठंड बढ़ जा रहा है, तो ज़्यादा ठंड भी लग रहा है। आज है वीकेंड लॉकडाउन दिल्ली में, और देखता हूँ जैसा कल वीडियो बना चुका था यहाँ पर का, जो कल के जैसा माहौल आज नहीं दिखेगा शनिवार के दिन, देखता हूँ आज। वैसे तो आज मैं वीडियो बनाऊँगा, सोचा कि बारिश हो रहा है दिल्ली में, आज का अपडेट दे दूँ। दो दिन तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ मैं, शनिवार और कल संडे, उसके बाद सोमवार देखता हूँ। अभी दो दिन तो बंद है, सोचा कि शो के उठ रहा हूँ मैं, अपडेट दे दूँ। आवाज़ भी मेरा थोड़ा ये है, शो के उठ रहा हूँ ना अभी, तो आवाज़ थोड़ा भारी टाइप पे लग रहा है मेरा। तो ये देखिए अपडेट आपको कैसा लगा, रहा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज कुछ माहौल चेंज रहेगा, और सामने ही जस्ट एकदम हाईवे है, जो कि मेट्रो वगैरह उस साइड जाता है, जाते हैं उसमें मेट्रो वगैरह। और जैसा कि मैं कल का वीडियो में बताया था कि इस साइड ही मंडी है, ज़्यादा दूर नहीं है मंडी, तो यहीं पर बगल में सब कुछ है। और ये देखिए अंधेरा हो गया है, देखिए लाइट तो कटा नहीं होगा पर अंधेरा हो गया है। अब बारिश की बूंदे भी नहीं दिख रही, जो कि यहाँ पे दिखता था, अब नहीं दिख रही है। देखिए बादल गरज रहा है। तो ये देखिए दिन हो गया है, रात से दिन, और पूरी तरह से लॉकडाउन है दिल्ली में, और अभी तक बारिश हो रहा है। देखिए बारिश अभी तक हो रहा है, जैसा कि आप लोग को दिख ही रहा होगा, जैसे जूमिंग करके दिखाता हूँ पानी में बारिश को, देखिए टिप टिप हो रहा है ना, तो अभी तक बारिश हो ही रहा है। जो रात से बारिश हो रहा है तो हो रहा है एकदम, बारिश छूटने का कोई नाम नहीं, एकदम बहुत तगड़ा बारिश हो रहा है इस साइड, एकदम इस साइड क्या सब जगह दिल्ली में हो ही रहा है। और पूरा एकदम आदमी लोग भी आना जाना नहीं कर रहे हैं बारिश में, इसलिए नहीं कर रहे हैं, आज कर्फ्यू भी लगा हुआ है। और बहुत सारा इधर फैक्ट्री वगैरह भी है, जो कि काम वगैरह करने वाले आदमी जो है रहते हैं इस साइड, इस इलाके में भी रहते हैं। तो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, सब लोग अभी घर में सेफ हैं, और लॉकडाउन जो लगा है ओमिक्रॉन की वजह से लगा है। ये देखिए अरविंद केजरीवाल जो यहाँ के जो CM है, वो देखिए फिर से लॉकडाउन लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। पर संडे और शनिवार का जो है, शनिवार और संडे का जो है लॉकडाउन लग चुका है, तो उसके बाद देखिए लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं लॉकडाउन, तो देखते हैं। तो अभी तो आज शनिवार है और खूब बारिश भी हो रहा है, तो अभी तो आदमी नहीं जा पाएंगे। देखिए छाता वगैरह लोग आदमी ले गए, ये देखिए सब बारिश वगैरह हो रहा है एकदम बहुत तगड़ा, एकदम बोलो तो तेज़ बारिश हो रहा है, आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा। ये देखिए हाथ में एकदम बह रहा है, बहुत तगड़ा बारिश हो रहा है इस सेट के इलाके में भी। और उधर चला गया पार्क वगैरह, उधर है द लीला होटल, उधर ही है
और पार्क प्लाजा भी उधर ही है, मेट्रो मॉल इस साइड ऐसा भी साइड इलाका में है बहुत है। और इधर इस साइड से हम चला जाते हैं इंडिया गेट, लाल किला सब इस साइड पड़ता है। और इधर चला गया है कोई पार्क वगैरह जो आपको बोला हूँ, जैसे सूरजमल पार्क इस साइड चला गया है, तो सूरज पार्क में इसी साइड चला जाता हूँ मैं। और ये देखिए बारिश का नज़ारा, तो रात से दिन हो गया है, तो दिन का भी सोचा चलो दिखा देता हूँ मैं, तो दिन हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। काफ़ी बारिश हो रहा है और बोले तो मास्क भी लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि बाहर तो जाना है नहीं, तो मास्क क्यों लगाऊं, और बाहर जाना है तो मास्क लगाना ज़रूरी है। अगर मास्क नहीं लगाओगे तो 2000 रुपये का चलान कट जाएगी। क्या जो पहले कोरोना वायरस चलता था, अब ओमिक्रोन की वजह से मास्क पहनना पड़ रहा है। चलिए खैर, मास्क पहनना भी ज़रूरी है, सेफ रहें, घर में रहें। और ज़्यादा कोरोना वायरस और ओमिक्रोन की वजह से ज़्यादा बीमार लोग पड़ रहे हैं, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बोले तो न्यूज़ वाले न्यूज़ रिपोर्टर तो आप जानते हैं, तो न्यूज़ रिपोर्टर से ही माध्यम से पता चलता है कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।